विपत्ति के मौके पर इस विपत्ति के स्थिति में। साथ ही उनकी तरफ से भी कहा गया कि लोकतांत्रिक तरीके से हम इस विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे। तो दक्षिण 24 परगना सबसे पहले जेपी नड्डा जाएंगे। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोलकाता एयरपोर्ट से निकलते हुए जेपी नड्डा कह रहे हैं कि विचारधारा की इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। जरा बताइए आशिका, कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और सिर्फ क्या यहीं पर पहुंचेंगे या दूसरी जगहों पर भी उनका पहुंचने का कार्यक्रम है? कह रहे हैं वो कि हर घर में जाएंगे। करीब करीब 30 से 40 मिनट का समय लगेगा जब एयरपोर्ट से निकलने के बाद यहाँ पहुँचेंगे जेपी नड्डा। सबसे पहले यहीं पर आएंगे नरेंद्रपुर, ये दक्षिण 24 परगना का है। यहाँ से सोनारपुर जाएंगे, उसके बाद कोलकाता का एक इलाका है वहाँ जाएंगे। वहाँ भी एक कार्यकर्ता अभिजीत सरकार, जिसकी आरोप लगा बीजेपी की तरफ से कि हत्या कर दी गई है, उसके घर पर जाएंगे। फिलहाल शेफाली दास के घर पर हूँ। जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर चुनाव के समय या आम तौर पर आते तो क्या तैयारी करती और आज क्या हाल है? मैं तो बंगाल का आदमी हूँ, लड़की हूँ, मेरा जितना भी सामर्थ्य था वो करता, लेकिन आज तो मेरा हस्बैंड घर में नहीं है, मेरा बच्चा लोग का खाना भी कुछ नहीं है, इसलिए तो वो जैसे भी आएगा मैं कुछ नहीं तो थोड़ा सा बताशा या मूड़ी देऊँगा, इससे तो ज़्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन उसको ऐसी बात ही बोलना है, सर आप जैसे भी करके हम लोग को पति लोग को बचाइए, अगर हमारा प्राण रहेगा आज नहीं तो आज दीदी का खमता है, इसलिए आज अगर बीजेपी खमता होता नहीं, लेकिन हमारा तो ऐसा हाल नहीं होता, उससे भी हम लोग खुश रहते, लेकिन हम लोग ऐसे दावा कर सकते हैं बीजेपी अगर होता ना ऐसे बात नहीं करता जो उसका घर तोड़ दो फोड़ दो मार डालो ऐसा नहीं करता, लेकिन ये लोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम लोग कितने घर इस इलाके में तोड़े गए? 20 से ऊपर, लेकिन सब घर में नहीं है, आपको तो पहले ही बोला है घर में सब लोग नहीं है, लेकिन अगर सब लोग था कोई भी अगर नहीं आता हम लोग फिर भी बोलता जो जेपी नड्डा जब आएगा सर हमको ऐसे बात ही बोलेगा, सर हम लोग कुछ नहीं चाहता सिर्फ शांति चाहता है और कुछ नहीं, तुम लोग वो लोग जीत गए हैं ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ शांति चाहता है, जब हस्बैंड घर में आएगा तो मेरा तो और कोई नहीं है हस्बैंड के सिवा, ना ससुर है ना सासरी है, कोई नहीं है, तो वो लोग यदि इनको मार डालेगा तो हमारा और कुछ नहीं रहेगा, यही बात बोल रहा है। आज देखिए हमारा हाथ का जो शाखा टूट गया है ऐसे ही हम लोग का कैसे लगता है, जब ये भी मिल जाएगा ना मेरा भी लाश चला जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, यही बात बोलना है। दीदी को भी बोलना है, दीदी तुम लोग का लड़का लोग को बोलो शांत रहने के लिए, तुम्हारा जितना है तुम्हारा गद्दी है सब ठीक है, लेकिन हम लोग भी इंसान है तुम लोग भी इंसान हो, ऐसे ही अगर करोगे तो कैसे होगा, ऐसी ही बात बोलना है और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। जाहिर है आपके आंसू बार बार निकल रहे हैं, डर के साए में जी रही हैं, ये तो साफ है, लेकिन आज मैं आपसे ये पूछूं अगर कि क्या कहेंगी जेपी नड्डा से जब वो आएंगे? यही बात बोलेंगे जी सर आप लोग वोट के पहले तो आप लोग के साथ हम था, आप लोग भी हमारा साथ था ठीक है, आज जब नहीं है तो हम लोग का हाथ नहीं छोड़ना है, ऐसी ही बात बोलना है और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, उनका हाथ अगर मेरे सर पे होगा तो मैं सोचूंगी दीदी जैसे उन लोग का हाथ में हाथ दे के रहता है, इसलिए उनका लड़का लोग तंडप करके नाचता है ना, हम लोग के ऊपर उन लोग का जो हाथ रहता है तो हम लोग भी सोचेंगे उन लोग के तरह सोचने के लिए, जब जगह जो शांति रखना है ना वही बात सोचेंगे और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। शिवाली बच्चे कहाँ हैं जरा उनको दिखाइए, क्या अभी डरे हैं, क्या हाल है उनका? हाँ बच्चा लोग तो डरे हैं, बड़ा बेटा को घर से निकल दिया, उसको बोला है तुम्हारा जो पिसी का घर है उधर चला जाओ, उस दिन नहीं मारा लेकिन आज के बाद जो अब आएगा ना वो सब लोग को पीटेगा। आप ये कैसे मान रही हैं? हम उन लोग को पहचानते हैं जिस लोग को ना पुलिस आया है, इसलिए हमारा घर में बम चार्ज किया है, आप जब देखेगा मीडिया में हम बोल रहे हैं तो वो लोग क्या हमका पूजा करेगा, आप लोग बोलिए ना। ये जानते हुए भी आज आप मीडिया के सामने आई हैं? यही बात बोलने के लिए आया है क्योंकि जब दीदी बोलता है ना जो उन लोग का राज होगा तो कुछ नहीं होगा, उन लोग ठीक है आशिका बंगाल कलर की है, हम लोग तो बाहर से नहीं आया, हम लोग को भी तो बंगाल से आया है ना, इसलिए यही बात बोल रहा है जे सब लोग शांति से रहे और कुछ नहीं बोलना है जी।
ठीक है आशिका, लौटेंगे लौटेंगे, आप बता रहे कि वहां पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, यानी कुल मिलाकर जो बातें सुनी उसको देखकर ये लगा कि सुरक्षा चाहते हैं लोग, कि किसी भी तरीके से इनको सुरक्षा मिले। इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस वीडियो को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग दो महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप यह कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, जिन्हें टीएमसी के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया कि यह घटना नंदीग्राम की है। बाद में इस घटना का एक वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्विटर पर शेयर किया।